सीक्रेट पॉइंट्स वो राज की बातें वो नीन वो प्रिंसिपल्स, वो असूल वो रूल्स आपको बता रहे हैं कि जिसके के ज़रिए से हम ख़ुदा की मोहब्बत को हासिल कर सकते हैं हम अपने दिल को पाको पाकिज़ा रख सकते हैं हम अपनी दुनिया की कामयाबियाँ भी हासिल कर सकते हैं हम आख़रत की कामयाबियाँ भी हासिल कर सकते हैं जो मुतकी और परहेज़गार लोग होते हैं जो ख़ुदा के हबदार होते हैं अम्ब्यालिया आमाय हक़ा खुदा की पैरवी करने वाले ममलिन वो ख़ुदा उन्हें दुनिया में भी कामयाबियाँ देता है दुनिया की ख़्वाहिशात भी उसकी पूरी होती लेकिन उनका मकसद अल्लाह की रजा होता है उनका मकसद दुनिया नहीं होता तो बात चल रही थी सूरत तौबा के हवाले से कि जिसकी चौबीस नंबर आयत में अल्लाह ने कुछ ऐसी चीज़ें ज़िक्र की हैं कि जो खुदा और रसूल की महब्बत के सामने एक दीवार बन जाती माने है माने हैं जो रुकावट हैं खुदा की महब्बत और रसूल वाले रसूल की के केसूल में रुकावट है हाँ उनको कैसे कार बनाया जा सकता है उन्हें दुनिया की चीज़ों को ख़ुदा के दायरे तात में रहते हुए अगर उनकी खिदमत की जाए उनको हासिल किया जाए तो वो दुनिया भी हासिल हो गई और अल्लाह की रजा और मोहब्बत भी हासिल हो गई फरमाया कुल कोना अबाकोम व अबना कम व अखवा कौम तीसरी चीज़ जो इस आयत में ज़िक्र हुई वो भाई है अगर तुम्हें तुम्हारे भाई अल्लाह और रसूल की मोहब्बत से ज़्यादा महबूब है एक तरफ़ अल्लाह और रसूल की मोहब्बत है दूसरी तरफ भाइयों की मोहब्बत है जैसे जनाब यूसुफ़ के भाई थे सतीले भाई थे जो सतीले भाई थे वो आपस की मोहब्बत की वजह से वो चाहते थे कि जनाब यूसुफ़ को नुकसान दे, ज़र्र दे, अजीय दे, वालिद के नज़रों से इसका मक़ाम कम करे, इस वालिद की नज़रों से उसकी महब्बत को कम करे, ताकि वालिद जो है जनाब याकूब अल्लाम हम पे तवज्जो दे। तो सुलो भाइयों की महमत अपने नफ्स की महब्बत अपने ज़ात की महब्बत की वजह से उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत को पीछे छोड़ दिया अल्लाह के नबी याकूब आसम की मोहब्बत को पीछे छोड़ दिया वो मोहब्बत याकूब नबी और अपने बाबा की मोहब्बत चाहते तो थे लेकिन उनका तरीक़ा वो था जो अक़ल के भी ख़िलाफ़ था जो अल्लाह की मर्ज़ी के भी ख़िलाफ़ था अगर ऐसा तरीक़ा अपना लेते कि जिस में अल्लाह और उनके अल्लाह के नबी की ऱा थी तो वो अपने अल्लाह की मोहब्बत को भी पा लेते अपने बाबा नबी याकूब की मोहब्बत को भी पा लेते और वो तरीक़ा क्या था कि अल्लाह और अल्लाह का नबी अगर यूसुफ़ से मोहब्बत कर रहे हैं उसको अहतराम दे रहे हैं तो वो भी एहतराम देने लग पड़ते वो भाई भी सतीले भाई भी मोहब्बत यूसुफ़ में गिरफ़्तार हो जाते तो यक़ीन अल्लाह के महबूब बन जाते अपने बाबा के भी महबूब बन जाते अपने बाबा की निगाह में भी महतरम व मुकर्रम बन जाते लिहाजा अपने भाइयों की महब्बत अपने भाइयों की महब्बत कहीं इंसान को ख़ुदा की महब्बत के दायरे से अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के दायरे से निकाल न दे दूर न कर दे बाद अवतः इंसान भाइयों की मोहब्बत में गुनाहों ने कबीरों का इरतार करता है। एक तरफ भाई है दूसरी तरफ हक बात है भाई की मोहब्बत में झूठी कसम उठा दी हक को ठुकरा दिया अल्लाह की मोहब्बत के दायरे से दूर हो गया एक तरफ भाई है दूसरी तरफ दीन है और रसूल की मोहब्बत का तकाज़ा है कि दीन पे अमल किया जाए भाई के हक़ में झूठी गवाही दे दी भाई की मोहब्बत में भाई की मोहब्बत में झूठ बोल दिया भाई की मोहब्बत में किसी का हक सब कर दिया भाई दुनिया से चला गया भाई की मोहब्बत में उसकी औलाद को को हराम रेस खिला दिया ये सब वो रास्ते हैं ये सब वो जुज़ियात हैं ये सब वो मवारद है कि एक तरफ़ भाई की मोहब्बत है दूसरी तरफ अल्लाह रसूल के इताअत के ज़रिए अल्लाह रसूल की, की मोहब्बत है अगर इंसान भाई की मोहब्बत को गालिब कर ले तो खुदा और रसूल की मोहब्बत से दूर हो गया और अगर अल्लाह और रसूल की मोहब्बत को गालिब कर ले तो इस तरीक़े से उसने हकीकत में भाई से भी मोहब्बत कर ली क्योंकि जब अल्लाह रसूल के इताअत की, की वजह से इंसान भाई के साथ वही सलूक करता है जिसमें अल्लाह की रज़ा है तो ख़ुदा उसके भाई पे नज़र रहमत करेगा उसके औलाद पे नर रहमत करेगा उसके भाई की मुश्किलों को आसान कर देगा क्योंकि उसने अल्लाह की ताद की है जिस मुश्किल से अपने भाई को निकालने के लिए इंसान मासीयत करता है नाफरमानी करता है वो उसी मुश्किल में गिरफ़्तार हो जाता और अगर उस मुश्किल के निकालने के लिए जो खुदा की नाफरमानी की वजह इतात की जाए मोहब्बत परवरगार में तो खुदा उस भाई की मुश्किल को आसान कर देगा जैसे कि एक मशहूर वाक़ है रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के ज़माने में एक औरत का शौहर घर से बाहर था उसका बाप बीमार हो गया उसने रसूल इस्लाम की तरफ पैगाम भेजा या रसूल अल्लाह क्या मैं अपने बाप की तीमारदारी के लिए चली जाऊँ और मेरा शोहर घर से बाहर है मुझे इजाज़त नहीं दे गया कहा घर में बैठी रहो सब्र करो घर में बैठी रसूल के हुक्म की इतात में बाप की तीमारदारी के लिए नहीं गई फिर बाप की जब ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई मरने के करीब पहुंचा फिर सवाल किया यार रसोल्ला आप चली जाओ कहाँ सबर करो घर में बैठो फिर बाप फौत हो गया अभी तक शोहर वापस नहीं आया इजाज़त नहीं थी घर से निकलने की शोहर की इजाज़त के बग़ैर बीवी घर से नहीं निकल सकती और इजाज़त भी ऐसे मवालक पर दी जाए जो मोस्ब या वाजिब है बेहतर इंसान महरम साथ रहे ये सबसे बेहतरीन तरीका है अगर कोई ऐसी मजबूरी है तो पर्दे के आलम में इंसान बाहर निकले कोई ऐसा खौफ व ख़तर न हो हराम में मबतला होने का फिर शोहर की इजाज़त हो और फरिश्ते लानत करते हैं इंसान रहमत और महब्बत परवरदिगार समेटना चाहता है और उसकी बजाय अगर तरीक़े नहीं जानता वो खुदा की मर्ज़ियों को नहीं जानता खुदा के कवान को नहीं जानता तो फिर यकीन ख़ुदा की मोहब्बत को नहीं पा सकता कोई भी आलि होने के बग़ैर ख़ुदा की मोहब्बत को नहीं पा सकता खुदा की मोहब्बत के लिए ओ होना पड़ेगा कि खुदा क्या चाहता है खुदा का दीन क्या है लिहाजा फिर उस कबाप जब फोत हुआ उसने फिर सवाल किया यारसूल अल्लाह अब चली जाओ बाबा के जनाजे के ऊपर कहा इंतज़ार करो सबर करो शोहर आ जाए इजाज़त ले लेना ले ले। बाबा दफर हो गए उसके बाद शौहर आया अब रसूल इस्लाम ने जब इस साबरा औरत खुदा और रसूल की मोहब्बत रखने वाली औरत इस मोमना औरत का ईमान और उसकी तात को और मोहब्बत रसूल को देखा तो आपने फ़रमाया ख़ुदा ने इसके इस अमल के नतीजे में जो उसने खुदा और रसूल की इतात की है इसको भी बख्श दिया है इसके बाप को भी बख्श दिया है वो जाना चाहती थी बाबा के लिए जाना चाहती थी ने? खुदा ने बाबा को ही बख्श दिया किस वजह से महम्बत रसूल की वजह से महब्बत अल्लाह महब्बत रसूल वो महब्बत परवरदार और तात परवरदगार और तात रसूल की वजह से अल्लाह ने उसके बाप के ऊपर भी राहमत तो ये वो तरीक़े हैं जिनके ज़रिए से इंसान महब्बत परवरदगार और महब्बत रसूल को पा सकता है वाखर दावानी असलमकूम الله वक्